जीवित होती सफेद घोड़े की मूर्ति, शनि मंदिर के रोचक तथ्य, साउथ कोरिया एज फैक्ट्स वे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें व चैनल को सपोर्ट करें। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्यमयी व प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जयपुर पिंक सिटी, जिसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है, यहां पर ऐतिहासिक मंदिरों की बहुतायत है। ऐसा ही एक मंदिर जो करीब 300 साल पहले जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 1739 में बनवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान का है, जिनका अवतार कलयुग के नाश के लिए होना है। इस मंदिर में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि कल्कि भगवान का सफेद घोड़ा, जिसकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, इस घोड़े के बाएं पैर में घाव है जो अपने आप ठीक हो रहा है। वह जिस दिन यह घाव पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उस दिन कल्कि भगवान कलयुग का नाश करेंगे व धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि भगवान के सफेद घोड़े की मूर्ति का घाव काफी हद तक भर चुका है। यह मंदिर दक्षिणायन शिखर शैली में बना है। भगवान कल्कि मां पद्मावती के साथ विराजमान है। कल्कि मंदिर हवामहल व सिटी पैलेस से 50 मीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के पास काले हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में शनि देव का चमत्कारी मंदिर है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति अपने घर में दरवाजे व ताले नहीं लगाता, क्योंकि शनि देव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस गांव में चोरी करता है तो वह चोर उस गांव से बाहर नहीं जा पाता, तो भगवान शनिदेव उसे उचित दंड देते हैं। भगवान शनिदेव का यह मंदिर खुले आसमान के नीचे है। मंदिर में गुंबद आदि का निर्माण कराए जाने के बाद वह टिकता नहीं है, तो मंदिर में पीताम्बरी वस्त्र पहनकर ही जाना चाहिए। मंदिर में दर्शन के वक्त यदि कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। काफी रोचक व रहस्यपूर्ण तथ्यों से भरा है यह मंदिर। इंसानों को अगर जीभ से अपनी नाक छूने को भी कहा जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं है, परंतु दोस्तों एक ऐसा जानवर इस संसार में है जो अपनी जीभ से अपने कान भी साफ कर लेता है, जिराफ। जिराफ की जीभ 21 इंच तक लंबी होती है। भारत रत्न इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। दोस्तों भारत रत्न के साथ कोई भी कैश या चेक नहीं दिया जाता। भारत के प्रेसिडेंट के साइन किया हुआ सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ में एक मेडल भी दिया जाता है। इस मेडल की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक होती है। इंडिया में यदि हमारी एज 25 साल है तो यही एज साउथ कोरिया में 26 साल होगी, क्योंकि साउथ कोरिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक दिन की बजाय एक साल का माना जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने का समय बिताता है। इसी कारण साउथ कोरियन पीपल बच्चे को एक दिन की बजाय एक साल का मानते हैं। एरोप्लेन में ट्रेवल करने में बड़ा मजा आता है। वह एरोप्लेन को फ्लाई करने वाले कैप्टन व फर्स्ट ऑफिसर को एक तरह का खाना नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए यदि एक की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा प्लेन संभाल सके। बैक्टीरिया हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब बैक्टीरिया शरीर को रोग पैदा करने वाले वायरस को खत्म कर देते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर में एक भी बैक्टीरिया नहीं होता है। आसानी से माफ कर देने का गुण आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
इससे हार्ट अटैक की संभावना कम होती है और कैंसर का फैलाव भी धीमी गति से होता है। शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग के दौड़ने की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कोक पीना यंग जनरेशन को बहुत अच्छा लगता है। कोक का कलर जो हमें डार्क ब्राउन दिखाई देता है, असल में वो नहीं है। कोक का असली कलर ग्रीन होता है। इसमें कलर ऐड करके इसको डार्क ब्राउन बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे फैक्ट्स पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें।